नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज आपकी आवाज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। एमबीए में सीट शेयरिंग पर बनी बात, कांग्रेस उद्धव और शरद की पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी चुनाव। महाराष्ट्र में इस बार का विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। शिवसेना और एनसीपी के दो धड़ों में बंट जाने के बाद राज्य में पहली बार सीएम पद के लिए चुनाव होने जा रहा है। इस बीच ये सामने आया है कि महाराष्ट्र चुनाव की सीटों को लेकर महाविकास अघाड़ी यानी एमबीए में बात बन गई है। ये तय हो गया है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। एमवीए में सीट बंटवारे पर बनी सहमति, मुंबई में सीनियर लीडर्स की बैठक के बाद अब एमवीए नेताओं में गतिरोध खत्म हो गया है। एमवीए में कांग्रेस उद्धव और शरद पवार की पार्टी के बीच सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया गया है। शिवसेना यानी यूबीटी नेता संजय राउत के अनुसार आज यानी बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीट बंटवारे की घोषणा की जाएगी। किसको कितनी सीटें, टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार कुल 288 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस 105, शिवसेना यूबीटी 95 और एनसीपी यानी शरद पवार गुट 84 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी की सीटें गठबंधन की दूसरी छोटी पार्टियों को दी जाएगी। कांग्रेस और उद्धव की पार्टी में टकराव, कांग्रेस और उद्धव गुट में सीट बंटवारे को लेकर टकराव भी देखने को मिला था। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले और शिवसेना यानी यूबीटी सांसद संजय राउत में इस पर वाकई युद्ध भी छिड़ गया था। हालांकि इसके बाद कांग्रेस के सीनियर नेता बाला साहेब थोराट ने एनसीपी यानी शरद चंद्र पवार प्रमुख शरद पवार और शिवसेना यानी यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर मामला सुलझाया। मुंबई के शहरी क्षेत्र में शिवसेना को 18, कांग्रेस को 14 और एनसीपी को 2 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि 3 सीटों वर्सोवा, बांद्रा ईस्ट और वायकुला पर अब भी विवाद सुलझा नहीं है। कांग्रेस और उद्धव की पार्टी दोनों इन सीटों पर अपना दावा कर रही हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इन सीटों पर भी आज अंतिम फैसला हो जाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशनल न्यूज़ आपकी आवाज़।